पे एम एस स्वामीनाथन जो हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन वर्ड आखिर यूज क्यों कर रहे हैं, क्रांति, हरित क्रांति हिंदी में कहते हैं इसको, ग्रीन रिवॉल्यूशन। कम टाइम में जब कभी भी रिवॉल्यूशन टर्म आता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज हुई है जिसने बहुत कम समय लिया है। तो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम किया, तो इसकी वजह से हम लोग इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज के डे में हमारी पूरी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जिससे हर कोई परेशान है, चाहे हम परेशान हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन परेशान हो, चाहे कहीं का कोई सीएम परेशान हो, हर कोई जो परेशान है वो किसकी वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। एक सीट के ऊपर, मतलब अगर आप लगाइए 10,000 कैंडिडेट्स अगर कहीं किसी जगह पे बैठे हुए हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसका रीजन क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगर आप कहीं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें एडमिशन चाहते हैं, तो आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि सीट्स कम है और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो किसकी वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा है तो कैंडिडेट ज्यादा होंगे। अब आप खाने की कोई चीज देखते हैं, तो जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, उसका प्रोडक्शन कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब आपको एक जॉब चाहिए, आप उस जॉब के लिए 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन कैसे इतना ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, फूड। मैंने अभी भी बोला कि सबसे फर्स्ट और बेसिक जो नीड है वो क्या है, फूड है। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन साहब ने देखा, बोला कि भाई ऐसा है कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ये जो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा किस चीज के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्टिविटी के रेट को इंक्रीज करना है। किसी भी चीज को जब हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम कम समय का इस्तेमाल करते हुए, कम टाइम का यूज करते हुए, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों के पास आया, तो एम एस स्वामीनाथन साहब ने बोला कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में इतना ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पे प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये रहे आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, याद रखेंगे, एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपने आपने या बायो ने इसका कॉपीराइट लेके रखा हुआ, नहीं, आपको पता है यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट याद ही हो गया होगा। ठीक है, एक दूसरा पेज हम लोग यूज करके इनको यहाँ पे पेस्ट ही कर देते हैं, ताकि जब भी आप देखें तो आपको याद रहे। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ऐसे मैं एक बार क्लास एंड करते वक्त ना सारे पेजेस एक बार आपको फिर से शो कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, पहला लाइन आपको याद हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देन हम लोगों के पास टर्म है टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर यहाँ भी टर्म है, और जब आप पढ़ेंगे ना स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां भी टिश्यू कल्चर है। अब हमें टिश्यू कल्चर की हेल्प क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, तो कोई आपसे पूछे कि मुझे ना हिंदी में बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाओ कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है। आपको सेल्स को ग्रो करना है, बट आर्टिफिशियली जरूर लगा होगा वहां पे, तो आर्टिफिशियली कहाँ ग्रो करेंगे, फील्ड में तो करेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी सेल को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, आपको ऑप्टिमम कंडीशन तो उसको देना ही पड़ेगा। ऑप्टिमम कंडीशन बोलने का मतलब है
उसको सुटेबल टेम्परेचर देंगे, उसको सुटेबल पीएच देंगे, सुटेबल मीडियम देंगे, सारी चीजें देंगे। तो जब लैब के कंडीशन में, और लैब कंडीशन के लिए हम लोग इनविट्रो टर्म यूज करते हैं, याद आ गया आपको? तो इनविट्रो कंडीशन में यानी लैब कंडीशन में, जब आप उसको सारे सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करा के सेल को ग्रो करना चाहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। कितना आसान हो गया। तो आपके पास कंक्लूजन क्या निकला? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स। किसका प्रोसेस है? सेल को ग्रो करना चाहते हैं। हाउ? आर्टिफिशियली। वेयर? इन द लैब कंडीशन। याद हो गया? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी और लैब कंडीशंस। तो लैब कंडीशंस के लिए मैंने आपको टर्म सिखाया है इन विट्रो। तो हम लोग इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में एज इट इज, इसी लाइन को कॉपी कर देना। कॉपी क्या करना है? याद हो गया होगा आपको। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लैब कंडीशन और लेबोरेटरी और इन विट्रो कंडीशन इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ठीक है। टिश्यू कल्चर जो है ये हम प्लांट वर्ल्ड के लिए भी यूज करते हैं और एनिमल वर्ल्ड के लिए भी यूज करते हैं। मतलब हम लोग इसको बॉटनी में भी अप्लाई करेंगे, हम लोग इसको जूलॉजी में भी अप्लाई करेंगे। इन्वॉल्व्स बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? हम सेल को ग्रो करा रहे हैं, ग्रो कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं? तो ग्रो जब हम करा रहे हैं, तो अगर हमारा मन करे कि हम उसकी 1000 कॉपीज बनाएं, तो अगर हम इसकी 1000 कॉपीज बना रहे हैं, तो उतना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो हम लोग वहां पे क्लोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बायो में क्लोन वर्ड हर उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हैं। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, जेनेटिकली कोई भी उसमें वेरिएशन वराइटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इस पेज का भी लेंगे स्क्रीनशॉट, ये पेज भी याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मैंने क्यों लगा के रखा हुआ है? एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैम ये कल्चर मीडियम जब आप बोल रहे हैं, तो जब सेल के मास को ग्रो कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे बंचेस जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें हमने क्या किया हुआ है? जैसे प्लांट सेल्स को यहाँ पे ग्रो कराया हुआ है। अब अगर हम इसको एक जगह पे, इसको दूसरे प्लेस पे, इसको तीसरे प्लेस पे, इसको नेक्स्ट पे, इसको नेक्स्ट पे, इसको नेक्स्ट पे ले जाके रख दें और ये वहां पे ग्रो भी कर जाए, लेकिन इसमें एक चीज स्पेशल क्या है कि ये जितने भी हैं सब के सब जेनेटिकली सिमिलर हैं। ये फायदा और ये बेनिफिट आपको हो जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्लोन्स को ग्रो करने का काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है आपके पास, एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट क्या है? सो देखिए, यहाँ पे एक प्लांट, एक पौधा आपको नजर आ रहा है। प्लांट है, उसमें लीव्स होंगे, उसका स्टेम होगा, उसके पास रूट्स होंगे, सारी चीजें होंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो आपके पास सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। प्लांट है तो ऑब्वियस है कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल। प्लांट किससे बना है? सेल। कोई एनिमल किससे बना है? सेल। यूनिसेलर है तो कैसे सरवाइव कर रहा है? वन सेल की वजह से। ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके सेल को उठाते हैं और हम उसको इनविट्रो मतलब लैब कंडीशंस में उसके कल्चर को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा है इस केस में। ठीक है। तो जब हम उसको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो छोटे छोटे, हमने उसको जगह जगह पे प्लेस कर दिया, अलग अलग जगह पे, तो सब के सब ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर है, सब एक दूसरे के क्लोन्स हैं, लेकिन जब वो छोटे छोटे प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो कर गया है, तो वो आपस में एक्स प्लांट कहलाते हैं। ठीक है। ये जैसे इसकी अगर हमने 1000 कॉपीज बना दी, तो सबको बोलेंगे ऑल आर एक्स प्लांट्स, मतलब सब के सब क्या है? एक्स प्लांट है। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रोसेस को और इस घटना को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं इसके लिए। थोड़ा ब्लर है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ एटलीस्ट पता चल रहा है। मेनी डिफरेंट एक्स प्लांट्स कैन बी यूज फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन, बट एक्सिलरी बर्ड्स एंड मेरिस्टेम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। वाई? रीजन ये है क्योंकि प्लांट वर्ल्ड में, नॉट इन एनिमल वर्ल्ड। आपकी बॉडी में कहाँ मेरिस्टमेटिक टिश्यू है? हम लोग नाम नहीं बोलते, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे ना आप 9th क्लास में, या उससे भी छोटी क्लासेस में।
तो प्लांट का जो मोस्ट ग्रोइंग रीजन होता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ज्यादातर जहां से बर्ड अराइज होता है एक्सिलरी बर्ड, और जो मेरिस्टेम्स हैं हम लोग उसका वहां पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स प्लांट और माइक्रो प्रोपोगेशन हम लोग यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, टोटिपोटेंशी। आप जब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन करके आपको ये सारे वर्ड्स जो वहां पे देखने को मिलेंगे, टिश्यू कल्चर भी मिलेगा, एक्सप्लांट भी मिलेगा, टोटिपोटेंशी भी मिलेगा। अभी अभी मैंने बोला कि अगर हम लोगों के पास एक प्लांट और एक ट्री अवेलेबल है, स्पेशली छोटे छोटे प्लांट्स के केस में हम लोग अगर यूज करते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्लांट के एक सेल से होल प्लांट बॉडी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है, किस चीज के लिए आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपने पहले ही सोच लिया कि हम लोग क्या करेंगे, एक सेल से पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो करेंगे। तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, यू नो दैट अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द होल प्लांट बॉडी। आपको पता है कि हम उसके एक सेल से, आप मनी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आप अपने एक फ्रेंड के घर गए, आपने देखा कि उसके यहाँ मनी प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, आपने बोला भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आप वहां से कैंची से कट करके ले आए और आपने पानी में डाल दिया, वहां भी ग्रो करने लगा। तो आप तो लेके तो इसलिए आए थे ना क्योंकि आपको पता था कि अगर आप उसको कट करके लेके आएंगे या उसके एक सेल को भी कहीं ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्षमता कुछ तो कहलाती होगी ना, ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है, उसको कुछ तो बोलते होंगे। तो पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो ये करेंगे कि टोटिपोटेंशी इज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी। मतलब टोटिपोटेंशी क्या है, वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है जिससे हम लोग क्या करेंगे, होल प्लांट बॉडी को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, टोटिपोटेंशी हो गया। क्लियर है बिल्कुल, क्या हो गया ये, टोटिपोटेंशी हो गया। हिंदी में अगर मैं बोलूं, किसी भी प्लांट सेल की वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता जो कि पूरे प्लांट बॉडी को ग्रो करके बनाने का काम करता है, उसको हम टोटिपोटेंशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टोटिपोटेंशी बोलते हैं। याद हो गया, ठीक है। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी सेल। और एक्स प्लांट अभी मैंने बोला ही, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पेट्री डिश के अंदर दिखाया, तो ये सब क्या है, ये सब एक्स प्लांट्स है। तो आप इसको ले जाके उठा के आप एक प्लेस पे जाके लगाए, ये ग्रो कर गया यहाँ पे, इसको दूसरी जगह पे प्लेस किया आपने, वो भी ग्रो कर गया। तो कौन सी क्षमता का यूज कर रहे हैं आप, किस कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है ये ग्रो करेगा, दैट कैपेबिलिटी इज टोटिपोटेंशी। उस कैपेबिलिटी का या कैपेसिटी का नाम हम लोग यहाँ पे टोटिपोटेंशी जो है वो रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटिपोटेंशी। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पे सोमा क्लोन्स है। ये वर्ड्स जो है ना, ये बहुत नियरेस्ट है, बहुत करीब करीब है। मतलब बच्चे कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि सोमा क्लोन्स में टोटिपोटेंशी लिखाते हैं, टिश्यू कल्चर में सोमा क्लोन्स लिखाते हैं, है ठीक है, बहुत नियर है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने एक चीज क्लियर कर दी है, टोटिपोटेंशी टर्म इज यूज्ड फॉर द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल। ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्षमता के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। सोमा क्लोन्स, अब इसको थोड़ा ध्यान से कैच कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लोन्स मतलब गारंटी है कि वहां पे कुछ जेनेटिकली सिमिलर होंगे। वाई सोमा और सोमेटिक, हम लोग यहाँ पे सोमा और सोमेटिक वर्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम जर्म सेल का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो दो टाइप के सेल है उसमें से एक सोमेटिक सेल है और जर्म सेल है, तो सोमेटिक सेल दैट नेवर पार्टिसिपेट्स इन द फेनोमेन ऑफ रिप्रोडक्शन, वाइल जर्म सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन द फेनोमेन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सोमेटिक सेल्स के क्लोन्स बना रहे हैं तो हम सोमा क्लोन्स बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। तो द प्लांट्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल आर नोन एज सोमा क्लोन्स, मतलब एक्स प्लांट्स आर ऑल्सो सोमा क्लोन्स। ठीक है, क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग आज के यूज में। अब आप टोमेटो देखते हैं मार्केट में, जाएंगे मॉल वॉल में खरीदने, तो आपको नजर आएगा कि ऐसा लगेगा कि उसको आर्टिफिशियली किसी ने बना रखा है, उसका साइज भी काफी बिगर होगा, बिल्कुल रेड होगा वो, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। टोमेटो है, बनाना है, एप्पल है, इन सबको आज हम लोग ग्रो करने के लिए, मतलब एक बहुत अच्छी वैरायटी का हमें पता चल गया कि ये प्लांट की वैरायटी जो है बहुत अच्छी है। हमें टोमेटो के किसी प्लांट के बारे में ग्रो
पता चला कि ये जब ग्रो कर रहा है तो इसका ग्रोथ भी अच्छा है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, जो टोमेटो ये बना के दे रहा है वो भी अच्छा है, तो हम क्या करेंगे उसके एग्स प्लांट्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसको ग्रो करने के लिए। तो ये उसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये ग्रोइंग रीजन पे प्रेजेंट होता है जहां प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो करता है। हाँ।